तो नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, मैं अभी कुशीनगर पहुंच चुका हूं और मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों देखिए, वहां पर जो ऑटो जा रही है ये फ्री सेवा है। यहां पर अगर गेट के पास आप उतरते हैं, यहां पर गेट जो है कुशीनगर गेट है, यहां पर आपको उतरना है और यहां से बहुत सारी ऑटो कथा स्थल के लिए फ्री सेवा चल रही है दोस्तों। तो आप लोग बने रहे, आपको लेके चलते हैं कथा स्थल तक और आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे और कौन सी रेलवे स्टेशन आप उतरे और किस तरह से आपको बस से यहां तक आना है और यहां से कैसे कथा स्थल तक जाना है और कथा के पास क्या क्या व्यवस्था है, वहां पर खाने के लिए, रहने के लिए क्या क्या विधि व्यवस्था किया गया है, संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, चलते हैं कथा पंडाल तक। यहाँ पर देखिए, इस रिक्शे पर जितने लोग बैठ रहे हैं ये फ्री सेवा है। यहाँ पर एक रुपए किसी को देना नहीं है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर पीछे में बोर्ड लगा हुआ है और निशुल्क रिक्शा सेवा देख सकते हैं। कथा स्थल रामाभार स्तूप तक जाने हेतु श्री शिव महापुराण कथा देख सकते हैं, सभी के लिए ये फ्री सेवा किया गया है। जो कथा स्थल तक पहुँचना चाहते हैं उनके लिए इस तरह की बहुत सारी गाड़ियां, सैकड़ों में इस तरह की गाड़ियां यहां पर है और सभी को व्यवस्था यहां पर किया गया है कि यहां से इस गेट से, कुशीनगर गेट से और कथा स्थल तक जाने के लिए फ्री सेवा यहां पर ई रिक्शा की गई है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों, इसी रिक्शे में मैं भी बैठ जाता हूँ और चलते हैं। फाइनली दोस्तों, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गेट बनाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा कोहरा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा धुधलापन दिख रहा है। तो मैं चलता हूँ कथा पंडाल में, आप लोग बने रहे हैं। ये गेट है, ऑटो ला करके यहाँ तक उतार दी और यहाँ से सामने ही पंडाल दिख रहा है, वहीं तक हम लोगों को मतलब कि आ ही गए हम लोग। चलिए, तो फाइनली दोस्तों हम पंडाल में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर इतनी भव्य पंडाल बनाई गई है दोस्तों, और मैं यहां तक पहुंचा कैसे और आप कैसे पहुंच सकते हैं दोस्तों, मैं ये बताऊंगा दोस्तों। तो मैं बता दूं कि यहां तक आने के लिए बस दो ही आपको रेलवे स्टेशन है, एक यहां से नजदीकी है पडरौना रेलवे स्टेशन और एक है गोरखपुर। तो आप किसी भी रेलवे स्टेशन आकर के और कुशीनगर आ सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आने में आपको गोरखपुर से आने में आपको 50 किलोमीटर का दूरी है और पडरौना से आने में आपको 22 किलोमीटर का दूरी है। तो आप किसी भी जहाँ पर आपका रेलवे रूट पड़े आप वहाँ तक आ करके वहाँ से आप यहाँ तक आ सकते हैं। मैंने आपको दिखाया कि वहाँ से आने के लिए आपको बहुत सारी ऑटो फ्री सेवा गेट से यहाँ तक कथा पंडाल तक चल रही है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए और पीने के लिए सारा उपलब्ध व्यवस्था है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है। तो आप कुशीनगर गेट पर उतरते हैं तो वहाँ से यहाँ आने के लिए आपको फ्री सेवा है, वो तो मालूम ही है। एड्रेस की ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ का एड्रेस है दोस्तों रामाभार स्तूप कुशीनगर। तो आप रामाभार स्तूप कुशीनगर, कुशीनगर में आकर के रामाभार स्तूप के पास आ जाइए, आपको यहाँ पर कथा पंडाल भव्य नज़र आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा इन्फॉर्मेशन हमने अपने तरीके से दिया। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हैं, अगर जानना चाहते हैं, तो आप मेरे वीडियो के नीचे में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।